जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब जीके पे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत और चीन के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा मैकमोहन रेखा, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा डुरंड रेखा, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर के लिए आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड। टाइम स्टार्ट नाउ। तो हेलो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसके नाम पर किसने रखा था। ऑप्शन ए हो जाएगा शेरशाह सूरी ने रखा था, ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी ने रखा था, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, एंड ऑप्शन सी डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा था। तो हेलो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने रखा था। हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो लड़का या कोई भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस का राइट आंसर देगा तो मैं उसका नाम दूसरे वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको बताना है कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चन को राइट किया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली में हुआ था, एंड ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु में हुआ था, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में हुआ था, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ में हुआ था। तो हेलो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में हुआ था। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत में डाक विभाग में पिन कोड प्रणाली कब से प्रारंभ हुई। आप देखते हैं ऑप्शन पहला हुआ आपकी स्क्रीन पर 5 अक्टूबर 1927, ऑप्शन बी हुआ आपकी स्क्रीन पर 15 अगस्त 1972, एंड ऑप्शन सी हुआ आपकी स्क्रीन पर 10 नवंबर 1947, एंड ऑप्शन डी हुआ आपकी स्क्रीन पर 20 सितंबर 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1972 ईस्वी को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत में कौन सा राज्य है जहां एक भी अखबार प्रकाशित नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिपुरा, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा मिजोरम, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो हेलो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में एक भी अखबार प्रकाशित नहीं होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि प्रथम भारतीय ICS अफसर कौन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, ऑप्शन बी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हेलो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत के सबसे प्रथम कवि कौन थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन बी हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा कबीरदास, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हेलो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन ए हो जाएगा विष्णु पुराण, ऑप्शन बी हो जाएगा मत्स्य पुराण, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा रामायण, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा महाभारत। तो हेलो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाभारत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर किस डाकघर में लगा था। ऑप्शन ए हो जाएगा
बेंगलुरु के डाकघर में लगा था एंड ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली में लगा था, या ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में लगा था, या ऑप्शन डी हो जाएगा हैदराबाद में लगा था। तो हेलो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में लगा था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन ए हो जाएगा द हिंदू था, ऑप्शन बी हो गया इंडिया गजट था, या ऑप्शन सी हो गया अमर उजाला था, या ऑप्शन डी हो गया हिंदुस्तान था। तो हेलो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया गजट था। हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोगों को बता देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर किया, जिससे मैं आप लोगों का नाम पिक कर सकूं अगले वीडियो में अनाउंस करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।